हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शकरकंद का हलवा। शकरकंद का हलवा बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए हम शकरकंद का हलवा बनाना शुरू करते हैं। शकरकंद का हलवा बनाने के लिए हमें 300 ग्राम शकरकंद लिए हैं। इसे पानी से धोकर एक पतीले में उबालेंगे। आप कुकर में भी सीटी ले सकते हैं। इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे उबालना है। इसको उबालने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। दस से पंद्रह मिनट होने के बाद एक बार चेक कर देंगे शकरकंद उबले या नहीं उबले। मेरे को थोड़े कच्चे कच्चे लग रहे हैं, इसलिए इसे 5 मिनट तक और उबलने देंगे। उबालने के बाद इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल देंगे। थोड़े ठंडे होने के बाद सारे शकरकंदे के छिलके निकाल देंगे हम। शकरकंद उबलने के बाद इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। छिलके निकालने के बाद इसे हम हाथों से मैश कर देंगे। इसको आपको अच्छे से मैश करना है। कढ़ाई में हम घी गर्म करेंगे। गरम होने के बाद इसमें हम मैश किए हुए शकरकंद डालेंगे और 10-15 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। धीरे धीरे ये छोड़ने लगेगा और इसमें हम थोड़ी केसर ऐड करेंगे। गैस को मीडियम आंच पे रखना है।
अब इसमें हम पिस्ता और बादाम डालेंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे। टेस्ट के लिए हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे थोड़ा। अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम 1/2 कप दूध डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। दूध और शक्करकंद अच्छे से मिलने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार शक्कर डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे इसे। इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, इससे हमारा हलवा दिखने में बहुत अच्छा दिखे और खाने में भी स्वाद अच्छा रहेगा। अब हमारा हलवा बनकर तैयार है। तैयार है हमारा शकरकंद का हलवा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।